उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। शीत सर्दियों का मौसम, यानी पिकनिक करने का मन करता है, साथ में हमारे स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखना अनिवार्य बन जाता है। सर्दियों का मौसम एक ऐसा मौसम है जब हम लोग जो भी खाते हैं वो अपने आप पचने लगता है। सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह उठकर स्कूल जाना बहुत मुश्किल वाला कार्य लगता है, लेकिन हमारे सारे बच्चे योग शिविर के लिए सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल आकर उन्होंने सब ने इस योग शिविर में हर किसी ने हिस्सा लिया। परंपराओं के अनुसार आज के इस योग शिविर की शुरुआत खूबसूरत प्रार्थना से हुई। छोटे छोटे बच्चों ने इस योग शिविर की शुरुआत खूबसूरत प्रार्थना यानी ईश्वर को याद करते हुए शुरू की। प्रार्थना के बाद तनुजा आर्य जी, जो एक स्टेट कोऑर्डिनेटर है, और उनके साथ सुशीला जी भी आई हुई थी इस योग शिविर के, आज के इस दिन उनका स्वागत किया गया। उसके बाद जयम्ब स्कूल की शिक्षिका ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड के स्टूडेंट्स को परीक्षा में खूब अच्छे से तैयारी करने के लिए कहा। खूब खूब आभार दरेक विद्यार्थी मित्रों, खूब खूब आभार। चलिए देखते हैं आज जय अम्बे स्कूल में किस प्रकार से योग शिविर का आयोजन किया गया। चलिए सब मिलकर, सारे मिलकर करते हैं योग। करे योग बने निरोग। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, आपकी स्पाइन बिल्कुल मुड़े नहीं, आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे। ये बैठने की जो स्थिति हमारी होती है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसे नहीं बैठ। अगर पहुंचने का माध्यम क्या हुआ, ये सारे माध्यम है, बस हो गई, ट्रेन हो गया, या तो फ्लाइट से जा सकते हो, किसी ना किसी माध्यम से पहुंच सकते हो। उसी प्रकार हमारे जीवन में हमें कुछ भी अच्छा भी करनी है, हमें कुछ अच्छा काम करना है, भगवान का भजन करना है, या कुछ भी अच्छा काम करना है, जैसे आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको जो भी अपने जीवन में बनना है, पर वो करोगे कैसे, इसी शरीर के माध्यम से तो करोगे, यही तो शरीर है उसको करने का। तो क्या आप जो करना चाहते हो, आप अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो, बैठे 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 आपको कमर दर्द होने लगता है, सो जाते हो, नींद आने लगती है, आंखें दर्द करने लगती है, तो क्या जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो सब कुछ श्वास करते हुए पूरी इनहेलेशन के साथ इनहेल करते हुए ऊपर हाथों को लेकर गए, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुको, पैर को पकड़ लो, और कोशिश करो कि माथा घुटने से लग जाए। कोशिश करो, लग रहा है किसी का? आ जाएगा, आ जाएगा। क्या वेरी गुड, वेरी गुड। बीच में अटक क्या रहा है, किसके कारण नहीं हो पा रहा? एक आप लोगों का तो नहीं लग रहा है मुझे, बड़े ये बात करें तो अलग बात है। एक दो बच्चे के पेट है, बाकी किसी का पेट नहीं है। क्या है आपका? ये शरीर का कड़ापन। इतना भी कर लोगे तो आपके लिए पर्याप्त है। सिर्फ 30 मिनट्स निकालना है आपको अपने स्वयं के लिए, ठीक है? तो दोनों हाथ को ध्यान मुद्रा में ऐसे रख लीजिए, और साथ ही साथ आपको बैठने की भी अच्छी एक आदत हो जाएगी। प्रैक्टिस से होगा, आप रेगुलर जब करोगे तब हो पाएगा ये। हम जब राइट नोस्ट्रल से श्वास भरते हैं तब हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो जाता है। हमारे ब्रेन के दो पार्ट है, पता है ना सभी को? तरफ से श्वास लेते हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, और जब हम लेफ्ट से श्वास लेफ्ट राइट से श्वास प्रश्वास करते रहेंगे, तो उससे आपके दोनों मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है, वो बिल्कुल एक्टिवेट रहेंगे। आपको कभी जीवन में कोई समस्या ही नहीं आ सकती। आपका जो याददाश्त शक्ति है वो तो मजबूत होगी ही होगी,
साथ ही साथ जो छोटी छोटी बातों पर हम चिढ़ने लगते हैं ना, तनाव आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं चाइना में, पता है ना सबको? Yes. तो अभी शुरुआत हमें कर देनी है, योग करके अपने आप को मजबूत बना लेना है, ताकि अभी जो लहर आए वो हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए। लंबी श्वास भरो और छोड़ो, करो तीव्रता के साथ। प्राणायाम करना है और हाथ लगाओ, उसको घुटने पे रखो, कमर लेकर एकदम सीधी, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। अब उनका मंत्र जप करेंगे, गहरी सांस भरे, आंखों बंद, अभी पूरे वंशान के शेर यहाँ पे। आवाज ही नहीं आ रही बच्चों की तो। और जोर से हंसते हंसते पागल हो जाओ, और जोर से। अभी भी आवाज नहीं आई आप लोगों की तो ऐसे। उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज जय अम्बे स्कूल में एक योग शिविर, एक योग सेशन रखा गया। आइए पूछते तनुजा आर्य जी से कि आज का सेशन कैसा रहा और बच्चों ने कितना उन्हें आज साथ दिया है। आइए नजदीक आइए। नमस्कार। आज आदरणीय सीमा जी और परेश सर के माध्यम से एक स्कूल में योग का एक सेशन रखा गया, जो कि मुझे लगता है ये सीजन भी है, अभी ऐसा एक माहौल चल रहा है और बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम ऐसे योग के अभ्यास करवाएं, ताकि बच्चे, हम जो चाहते देखते हैं हम कि बच्चे कल का भविष्य है, और बच्चों को अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो योग के अलावा और कोई मार्ग नहीं है जिसके माध्यम से हम ये कार्य को पूर्ण कर पाए। और आज बच्चों ने बहुत ही अच्छे से भाग लिया है। हमने सूर्य नमस्कार के साथ मुख्य रूप से बच्चों के लिए जो 10 विशेष योगाभ्यास के है उसको हमने करवाया है, प्राणायाम के माध्यम से वो अपने आप को कैसे मानसिक रूप से स्ट्रांग बना सकते हैं और अपनी याददाश्त शक्ति को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा की। और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से योगाभ्यास किया, जिसमें विशेष रूप से आज हमारे साथ योग शिक्षक सुशीला जी भी हमारे साथ रहे, और सभी का बहुत अच्छे से सहयोग मिला। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी छोटी सी बच्ची हमारे साथ है, पहले आपका नाम बता दीजिए कैमरा के सामने। माय नेम इज आंचल द्विवेदी। आई एम फ्रॉम। कैसा लगा आपको योग करके आज? मुझे आज बहुत अच्छा लगा, मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया। तो रेगुलर करोगी आप योग? यस। रेगुलर करेंगे बच्चे लोग योग? आइए परेश सर से पूछते हैं कि कैसा रहा आज का सेशन। सर आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। सर कैसा रहा आज का सेशन? नमस्कार। आज का सेशन बहुत अच्छा और बढ़िया था, और सब बच्चे ने अच्छी तरह से किया और मैम ने भी अच्छी तरह से करवाया। ऐसे ही डेली जो प्रैक्टिस करेंगे बच्चे तो कंफर्म है कि कोई बच्चा भी रोगिष्ट नहीं होगा, सब निरोगी हो जाएंगे और उसकी याद शक्ति जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे सब बच्चे करते रहेंगे, और सबका जो अभी यहाँ पे आए योग शिविर के लिए वो सब टीचर का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय।
सही मायने में हमें निरोगी रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जो हमारे जो बच्चे वो हमारे भविष्य हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमारे भविष्य कभी बीमार ना पड़े। हम जब खुद को स्वस्थ रखेंगे तभी हम बाकी सबको स्वस्थ रखने के लिए हम प्रेरणा दे सकते हैं। इसीलिए करो योग, सही बात है, करो योग और रहो निरोग, ये जो एक मंत्र है इसे हम सभी को अपनाना चाहिए। हमारे देश में जो छाछ है, बटर मिल्क है, दूध है, घी है, मक्खन है, नारियल पानी है, ये सब चीज़ें जो सही मात्रा में हमें लेनी चाहिए तभी हम लोग स्वस्थ रहेंगे। लेकिन केमिकल जो युक्त चीज़ें हैं उसे हमें छोड़ना चाहिए। उज्ज्वल भारत हमेशा सकारात्मक प्रयास करता है आपको सही समय पे सही चीज़ों का आप तक पहुंचाने का। उज्ज्वल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़, जय अम्बे स्कूल से, धन्यवाद।